बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश का सही तरीका क्या हो सकता है। दोस्तों आज हम समझेंगे कैसे हम निवेश करें तो बाजार का पूरा फायदा उठा सकते हैं। साथ ही में मेरे दोस्तों आपको दो दिन पहले की एक हेडलाइन भी बता दूं कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ SIPs इन म्यूचुअल फंड हैव बीन कैंसल्ड बाय इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों लोगों ने अपनी SIP क्यों कैंसिल करवाई होगी, क्या SIP कैंसिल करवा के ये समय पे यानी कि निवेश बंद करके हम सही डिसीजन ले रहे हैं। दोस्तों आइए हम कुछ डेटा से ये जानने का प्रयास करें। सबसे पहले हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का कुछ डेटा जानते हैं। जैसे 1993 में भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं उनका अगर हम मार्केट कैप देखें दोस्तों आधा ट्रिलियन था, 0.5 ट्रिलियन का हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन था। अब यही मार्केट कैप अगर आज हम 2023 में देखें दोस्तों तो ये मार्केट कैप बढ़ के 3.5 ट्रिलियन हो चुका है जो कि 7 गुना हुआ। दोस्तों सीधी बात है, अगर मार्केट कैप बड़ा है तो लॉजिकल चीज हुई कि जो लोगों ने पैसा लगाया हुआ है या जो इन्वेस्टर लोग हैं उन्होंने जबरदस्त पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया, बिल्कुल लॉजिकल। पर लोगों ने ये पूरा जो समय था इसमें क्या किया होगा तो शायद नहीं कमाए होंगे, और क्या किया होगा तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को 7 टाइम नहीं बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा गुना ऑप्टिमाइज किया होगा, ये जानना चाहिए कि नहीं। दोस्तों ये जानने के लिए हम म्यूचुअल फंड के भी डेटा थोड़े साथ में देखते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड का डेटा ये कहता है कि म्यूचुअल फंड की जो टोटल इंडस्ट्री है यानी निवेशकों ने जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्टॉक मार्केट में निवेश किया, दोस्तों दो ये 1993 का थोड़ा पुराना डेटा हो गया, मैं थोड़ा रिसेंट बेस में आ जाता हूं कि जस्ट 10 साल पहले 2013 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों 8.14 लाख करोड़ की थी। कितने? 8.14 लाख करोड़। आज अगर हम सिर्फ 10 साल बाद ये देखें 2013 में तो यही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ते बढ़ते करीबन 40 लाख करोड़ की दोस्तों हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों 8 लाख से 40 लाख करोड़ से 10 साल में आई, दो कारण हुए। एक तो बाजार बढ़ा, तो जब बाजार बढ़ता है ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फायदा होता है, दूसरा लोग निवेश करते चले गए। तो अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों ने 8 लाख करोड़ लगाया था, आज 40 लाख करोड़ लगा हुआ है, तो ये जो लोगों ने पैसा लगाया था उनको पैसे मिले होंगे कि नहीं? दोस्तों जब आप देख रहे हो आपके सामने बाजार इस प्रकार से दोस्तों चलता जा रहा है तो सीधी बात है जो लोगों ने पैसे लगाए उनके पैसे बने, अब म्यूचुअल फंड में लगाए उनके भी पैसे बने दोस्तों, राइट। अब ये जो 8 लाख से 40 करोड़ लाख करोड़ की दोस्तों सफर है म्यूचुअल फंड की, दोस्तों 2014 में हमने पहली बार इसे 10 लाख करोड़ का एक लैंडमार्क पार करते हुए देखा था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। 3 साल लगे 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो गया, दूसरे से 3 साल में 20 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो गया। अभी दोस्तों हम 2023 में है और कहां पहुंच चुके हैं, 40 लाख करोड़। तो सीधी बात है दोस्तों बाजार जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा चलता है, साथ में लोग जो निवेश करते रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म हराइजन से दोस्तों पैसा लगाते हैं, पैसा बना है उसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी है ये दोस्तों 17% कगार से बढ़ी है। तो बाजार जो 13-14% कगार से बढ़ा प्लस नया इन्वेस्टमेंट आया, आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत अच्छी बढ़ गई दोस्तों, राइट। अब दोस्तों ये भी देखना बनता है कि किसने पैसे डाले, क्या सही में कोई कमाए, राइट। अब कमाया वो तो दिखता है पर पैसा कितने लोगों ने डाला। अब हमारा जो कंट्री है दोस्तों 140 करोड़ लोगों का अभी हम मानते हैं 140 करोड़। अगर आप ये मानो 15% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनके अलावा की दोस्तों 85% पॉपुलेशन तो आज निवेश कर सकती है, कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो सही में कितने लोग निवेश कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम इक्विटी मार्केट देखें पिछले महीने के हिसाब से, अभी जो महीना क्लोज हुआ दोस्तों 12.7 करोड़ इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो 12.7 यानी कितना हुआ दोस्तों, 10% करीबन हुआ जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों का। तो अभी तो बहुत बड़ा वर्ग बाकी है जो लोग यहाँ पे पैसे डालेंगे, जो लोग डाल रहे हैं उनकी भी ये जो संख्या है ये पिछले 2 साल में ही बढ़ी है, बाकी इंडिया काफी अंडर पेनेट्रेटेड था स्टॉक मार्केट में। तो ये हुआ स्टॉक मार्केट का, भले 2 साल में जो लोग आए, अब इतने सारे इन्वेस्टर जो 2 साल में आए दोस्तों क्या उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने नहीं कमाया होगा। तो पैसा किसने कमाया, पैसा पुराने निवेशकों ने कमाया जो लोग पेशेंस से बरसों से पैसा डाल के बैठे। कैसे हो सकता है कि बाजार इतना बढ़िया चला उनका पैसा नहीं बढ़ा, राइट।
उन्हीं लोगों का पैसा नहीं बढ़ा होगा जो लोग रोज सट्टेबाजी में चलते हैं, जो लोग रोज स्पेकुलेट करते रहते, जिनको ये लालच है कि मैं ये 6 महीने में कमा लूं, ये 12 महीने में कमा लूं, बड़ा मौका दिख रहा है मैं कमा लूं, 1 महीने में कमा लूं या आज के आज कमा लूं। ये जो गाजर दिखता है इन्वेस्टर को, ये गाजर ट्रैप करता है। आपने वो बंदर के ट्रैपिंग की कहानी सुनी हुई है, ये कुछ ऐसी ही कहानी है। तो जो लोग बाजार चलने के बाद आए, मैंने बताया मैक्सिमम लोग जैसे ये बिगड़ने से पिछले 2 साल में आए, तो खाली अगर ये लोग पुराने निवेशकों के रिटर्न देख के आए हैं तो दोस्तों इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिटर्न मिलेंगे बढ़िया, पर पेशेंस चाहिए, आपको समय देना पड़ेगा। पुराने निवेशकों के पैसे जबरदस्त इसलिए बढ़े क्योंकि उन्होंने समय दिया है दोस्तों, समय नहीं देंगे पैसा नहीं बढ़ेगा, राइट। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के डेटा देखो, दोस्तों म्यूचुअल फंड में हमने पहली बार 2021 में 10 करोड़ फोलियो की फिगर पार की, तो 10 करोड़ फोलियो 2021 में हो गए। अभी दोस्तों हम 2023 में हैं और अब तक 14 करोड़ फोलियो दोस्तों हम पार कर चुके हैं। तो धीमे धीमे निवेशक बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग समझ रहा है कि इक्विटी को जगह दोस्तों अपने निवेश में देनी ही चाहिए। जिस प्रकार से एफडी जरूरी है, गोल्ड जरूरी है, रियल एस्टेट जरूरी है, इक्विटी भी मस्ट है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए। अब 14 करोड़ निवेशक ये कितने थे, खाली 10 करोड़, तो 2 सालों में ही यहाँ पे आपने 4 करोड़ नए इन्वेस्टर देखे। तो 4 करोड़ यानी कितने हुए दोस्तों, ऑलमोस्ट आधे। तो इतने सारे निवेशक क्यों आए, क्योंकि इन्होंने भी देखा लोग कमा रहे। अब लोगों को कमाता देख के पास्ट रिटर्न देख के जो आते हैं वो रिटर्न नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ रिटर्न दिखते हैं। और इसी वजह से कुछ भयानक घटनाएं बनती है। भयानक घटना कैसी, पिछले 3 महीने में दोस्तों आधा करोड़ निवेशकों ने अपनी SIP कैंसिल कर दी है। चलो अच्छा डिसीजन है, कैंसिल कर दी तो कोई बात नहीं, राइट। पूरे साल में करीबन 1.2 करोड़ लोगों ने अपनी SIP कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल कर दी, बाजार गिरता जा रहा है। उन्होंने क्या सोचा था, लोग बढ़िया कमा रहे यार, किसी ने 2020 में डाला ना, सीधा डबल हो गया पैसा, तो वो डबल देख के आए और फिर ट्रैप हो गए। दोस्तों इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूं, भाव 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 देख के चलोगे ट्रैप ही होगे, और कोई चारा नहीं है। मूल बेस समझो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको समय देना है, और जब ऐसे गिरावट के समय आए तो उसका फायदा उठाना है दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, राइट। पर ये अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आती लोगों को, तो इतने सारे इन्वेस्टर ने अपना SIP दोस्तों कैंसिल किया। और सबसे बड़ा वर्ग कब, पिछले 3 महीने में। क्यों, पिछले 3 महीने में हमने भयंकर फॉल देखा, ये 4th महीना है। तो सबसे ज्यादा अकाउंट कब आए, जब बाजार ने रैली किया, लोग उसको देख के आए, बाजार गिरा, लोगों ने SIP कैंसिल किया। क्या ये लोग बढ़िया प्रकार से दोस्तों अपने जीवन में एसेट को बढ़ा पाएंगे, नहीं दोस्तों। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एसेट्स बढ़ाने के लिए, मैं चाहता हूं मेरी एसेट्स बहुत ही अच्छा बढ़े, मुझे लंबे समय तक वो अर्निंग दे, तो हमें पहले मूल बेसिक चीजों को दोस्तों समझना होगा कि निवेश कब ज्यादा करना चाहिए दोस्तों, राइट और रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे गलत हूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि नहीं भाई पीयूष भी आप गलत कह रहे हो। दोस्तों जब मैंने स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत की थी, ऐसा नहीं था कि पैसे बहुत जेब में से उछल रहे थे और ढगलों रुपए थे, ने डाले ने बढ़िया कमाए, नो। बहुत ही चैलेंजिंग है पूरा समय रहा, पर जैसे जैसे हर महीना थोड़े थोड़े जो पैसे बचते वही तो रुपए लगाते गए। तो ये हमारा शेयर बाजार में हमने क्या किया है, SIP, तभी तो टिके हुए हैं। कभी ऐसा दिमाग में आया नहीं कि चलो आज सट्टा खेल लेते हैं, इतना बढ़िया निफ्टी चले लगता है, चलो फ्यूचर खेलते हैं, चलो ऑप्शन खेलते हैं, नहीं आया। क्यों, क्योंकि वो रास्ता अपना नहीं। अपना रास्ता क्या है, एसेट क्रिएट करने का। दोस्तों मेहनत से हम सब लोग मिलकर पैसे कमाते हैं, और पैसे को जुओं में बर्बाद करना है क्या, एसेट बनानी है। तो दोस्तों शांति से एसेट क्रिएशन का दोस्तों सोचो। अब यहाँ पे दोस्तों नए निवेशक ट्रैप कहाँ होते हैं, एक तो वो रिटर्न देखते रहते हैं रोज, इसको 25% मिला ना, ये 50% बढ़ा ना, ये 600% बढ़ गया, वो देख के आते हैं। उनके दिमाग में क्या रहता है, बिजनेस तो पता ही नहीं रहता है, उनके दिमाग में सिर्फ भाव 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 चल रहे होते हैं, राइट। रैली में भी भाव फंसाते हैं, फॉल में भी यही भाव फंसाते हैं दोस्तों। और वो लोग रोज, वो बहुत होशियार है, रोज डेटा देखते हैं, भाई ने कितना बेचा, 1000 करोड़ बेचा, भागो इधर से। दोस्तों इसे लॉजिकली कैसे समझना चाहिए, आप आ रहे हो आज बाजार में, 2023 में आपको अचानक याद आया चलो बाजार में निवेश किया जाए, और आप अपने आप को FII की स्ट्रेटेजी के साथ कंपेयर करोगे, चलेगा क्या। अरे ये वो FII है जो 1993 से, जब हमें भरोसा नहीं था अपने बाजारों पे, तब से ये लोग इंडिया में पैसा डाल रहे हैं दोस्तों। इन्होंने ये रुपया डाला 0.5 ट्रिलियन, आज दोस्तों इतना इनका रुपया है 3.5 ट्रिलियन। ये जानते ही है कि ये 3.5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन होने वाला है, राइट। पर इन्होंने एक बड़ी रकम ऑलरेडी डाली हुई है, ये बरसों से पैसे डाल रहे हैं।
अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी अपनी आंखों के सामने अपनी एसेट्स को इतना बढ़िया बढ़ते हुए देखा है। जब कोई मुश्किल समय आता है दोस्तों, मुश्किल समय जैसे अभी चैलेंजिंग इकोनॉमी है, ये समय पे दोस्तों आपकी कंपनियां चलेगी नहीं क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं। तो निवेशक तो जानते हैं कि अभी एक दो साल ऐसे ही रहेंगे, ऑलरेडी 16 महीने बीत गए। तो आपको क्या लगता है ये लोग जो FII है जिन्होंने ऑलरेडी टकरो रुपया डाला हुआ है, इनको हाथ में हाथ करके बैठा रहना चाहिए, SIP करनी चाहिए उनको? अरे उनकी स्टाइल अपनी नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी सब खत्म कर दिया है, SIP की स्टेज से निकल चुके हैं, एसेट बन चुकी है दोस्तों। तो ये लोग बेचेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? इनको पता है मेरी अर्निंग अब इधर से अच्छी नहीं रहेगी 1.5-2 साल, और मुझे कहीं और फिक्स सिक्योरिटी में मैं सेफ हेवन ढूंढ सकता हूं। तो इक्विटी से निकल के सेफ हेवन में जाता है। फिर जब इनको वापस लगता है 1-1.5-3 साल बाद, चलो अभी वापस इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इकोनॉमी सुधर रही है, लोग वापस से आके अचानक माल लेना चालू कर देते हैं, क्योंकि इनके सामने ये चित्र तो है ही राइट। पर ऑलरेडी यूथ फंड लगाया हुआ है। अब हम यहाँ पे SIP कर रहे हैं महीने के, देखो ऑलमोस्ट एवरेज SIP में बोलू तो 2500-3000 की एवरेज SIP है। आप में से बहुत से लोग 50-50 हजार की SIP करते होंगे, बट स्टिल आप यहाँ पे हो। अभी ये लंबी सफर तय करनी बाकी है, हर महीना आप लोगों को SIP करके अपने एसेट्स को बढ़ाना है। ये आपने मिस किया, ये भी मिस करना है क्या? हम अगर यहाँ पे हैं, हम 10 ट्रिलियन देखने वाले हैं, तो जब बाजार गिरता है अपनी एसेट्स को कैसे देखो? अगर आपकी अभी एज फॉर एग्जांपल 35 है, आने वाले और 20 साल आपकी प्रोडक्टिविटी है, मैं ये मान के चलता हूँ कमाने की प्रोडक्टिविटी, तो 20 साल आप पैसे डालने वाले हो, 20 साल आप धीमे धीमे निवेश करने वाले हो। ये जो समय है निवेश का, वो समय पे अगर आपको सस्ता माल मिले तो लोगे कि महंगा माल मिले तो लोगे, क्या करोगे बताओ? महंगा लोगे सस्ता लोगे? अगर सस्ता लोगे तो बाजार गिरेगा, तभी तो सस्ता मिलेगा यार। इनको सस्ता नहीं लेना है, इनकी एसेट बनी हुई है FII की, तो वो तो निकलेंगे। पर आपकी किधर एसेट बनी है? अभी तो यहाँ पे गेम चालू की है और आप SIP कैंसिल कर देते हो, अच्छी बात है क्या? ऐसे पैसे बनेंगे क्या? जब लक्ष्मी टीका करने आती है हम मुंह धोने चले जाते हैं। 16 महीने से लक्ष्मी टीका करने आई हुई है और हो सकता है काफी समय तक रहे, सो ग्रेट। ये जो पूरा समय है इसको यूज करना चाहिए। FII को क्यों देखते हो? FII आया तब तुम आए थे क्या? तब तो नहीं आए, और अभी जब FII बेचता है तब हम एक्टिव रहते। इनको देखने का कोई जरूर नहीं है, इनका स्ट्रेटेजी अलग है, तुम्हारा स्ट्रेटेजी अलग है। तुम SIP कर रहे हो, कंटिन्यू योर SIP, योर मार्केट इज गोइंग टू गेट 10 ट्रिलियन। पर इसमें जब बुरा समय आए आपको वही 200-200 वाले शेयर 100-100 रुपए पे मिलते, वही स्ट्रॉन्ग कंपनीज, वही जबरदस्त इंडस्ट्रीज आपको सब सस्ते में मिलता है। तो इकट्ठा करके और ऑप्टिमाइज करो। जो लोग सस्ते में माल ज्यादा लेंगे उनको ये 7 गुना नहीं होता है, वो अपने आप 14 गुना करते हैं। मार्केट के आपका 7 गुना बढ़ा रहा, पर इन्वेस्टर का पैसा 7 या 14 नहीं, इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ा है। जो लोग शांति से अपने विजन पे चलते हैं और अपॉर्चुनिटी जब जब मिले दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को नहीं खोते दोस्तों। ये लोग अब समझ गए हैं कि जब तेजी होती है तब सब जगह से अच्छे अच्छे न्यूज आएंगे। इतने सारे इन्वेस्टरों ने डीमैट अकाउंट खोले तो गुड न्यूज भाई, वो तेजी में थी। इतनी SIP आ रही है हर महीने की 15,000 करोड़ भाई, वो तेजी की बात है। तो वो टाइम पे तेजी तेजी में सब अच्छे समाचार, तभी क्या मैंने आपको बैड न्यूज सुनाया, 3 महीने में निकल गए कितने ही लोग, करीबन 0.5 करोड़ लोग, तो ये बुरे समाचार है। सो ग्रेट, ऐसे समय पे तो सस्ता मिलेगा जब लोग भागते, राइट? सो शांति से सोचो दोस्तों, अपना विजन क्लियर करो। आप 2023 में हो, 2035 में अपनी एसेट्स को किधर देखना चाहते हो? मौके मिले चौका लगाओ, जब मौके ना मिले शांति से बैकफुट पे खेलो, FD में पैसा डालते जाओ जब सब महंगा मिले, राइट? मुझे उम्मीद है दोस्तों जो चीज थी मैं क्लियर कर पाया हूंगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी। जय।